अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है, सुबह सुबह नाश्ते की चाय से ही शुरुआत कर रही हूँ। दिन का आगाज़ जो है वो चाय के बगैर तो तकरीबन अधूरा ही होता है। नाश्ता चाहे मिले या ना मिले, लेकिन चाय जो है वो एक लाजमी जुज़ है हमारी लाइफ का। आज सुबह जनाब उठ के मैंने नाश्ता किया, बच्चों ने स्कूल जाना था तो मैंने रात के कुछ कपड़े छत पे लाए थे, उन्हें इकट्ठा करने छत पे गई, तो साथ ही साथ अपने चिड़ियों का दाना भी डालने गई थी। और मेरा ये एलोवेरा का जो प्लांट है, काफ़ी देर से मैंने छत पे रखा हुआ है, इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। एक्चुअली सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत रही, शादियाँ भी थीं और कुछ घर में मेहमान थे, तो टाइम जो था उसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता था, दिन की शुरुआत कहाँ होती थी और कहाँ ख़त्म हो जाती थी। तो काफ़ी अर्सा हो गया है मैंने अपने पौधों की भी देखभाल नहीं की थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा सा टाइम जो है अपने प्लांट्स के लिए निकाल के तो इनकी साफ़ सफाई करूँ, इनको प्रॉपरली सेट करूँ। बहुत सारे मेरे पौधे जो हैं वो मेरी तवज्जो की कमी की वजह से जो हैं वो मर गए थे, और साथ ही साथ मैंने कुछ नए बीज जो हैं उनको लगा रखा था, तो आज मैंने एक दो की शिफ्टिंग भी की है। शिफ्टिंग की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती फिर मेरी, तो मैंने अपना टमाटर का पौधा जो है उसको इस बड़े गमले में शिफ्ट किया। उसके साथ साथ मैंने जो मेरे दूसरे पौधे हैं, स्पाइडर प्लांट्स और जो दूसरे कुछ एक दो पौधे और थे, मैंने उन सब के लिए उनकी गुडाई की गमलों की और कुछ खाद शामिल की, और थोड़ा बहुत जो काम था इनके पीछे काफ़ी गन जमा हो चुका था, उनकी साफ़ सफाई करके मैंने इनको प्रॉपरली अरेंज करके रख दिया है। तो अभी बच्चों के स्कूल जो हैं वो प्रॉपरली पूरी तरह से तो नहीं खुल पाए, एक दिन मुझे नोटिस तो मिला था कि बच्चों के स्कूल खुलेंगे लेकिन फिर वापस नोटिस ले लिया गया, इस वजह से टाइम जो है ये मिल जाता है थोड़ा, ये मैं अपने पौधों के साथ आज स्पेंड कर रही हूँ। मेरे पिछले साल के कोलियस जो बचे हुए हैं उन्हीं की मैंने कटिंग्स जो लगा रखी थी वो हैं, कुछ मेरे पौधे जो हैं वो सूखे हैं। ये मेरा टमाटर का नया पौधा है जिसे मैंने शिफ्ट किया है अभी कुछ दिन पहले ही, साथ ही साथ इसमें पुदीना है, और बाकी जो हैं वो मैंने कुछ गमले जो हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं। कुछ मैंने हैंगिंग प्लांटर खुद बनाए थे और ये सक्सेसफुली चल रहे हैं अभी भी, और अल्लाह का शुक्र है कि इनमें मौजूद मेरे जो प्लांट्स हैं वो भी सर्वाइव कर गए हैं, सर्दी के बावजूद भी वो इसमें टिके रहे, वरना मुझे लग रहा था कि शायद सर्दी की शिद्दत से ये ख़त्म हो जाएंगे। और ये मैंने एक अपनी आर्टिफिशियल फ्लावर जो बटरफ्लाई है वो बनाई थी प्लास्टिक की बॉटल में से, तो मुझे लगा कि मैं इसको कहीं एडजस्ट कर दूँ, तो मुझे इसकी कहीं प्रॉपर एडजस्टमेंट होती नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने इसको इस एस्पर्गेरस के इस प्लांट में मैंने इसको बिठा दिया है, देखें कितनी देर तक टिकती है। तो आज का खाना शाना बनाने के बाद मैं जब फ्री हुई थी दोपहर में, तो मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया कि आज बच्चों को बाहर लेके कहीं चलते हैं। तो जब मेरे बच्चों को इस बात का पता चला कि हम लोग बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। जनाब, हमने ली उबर की खिदमात और हम चले गए फोर्ट्रेस की तरफ। बच्चों को हम लोगों ने सिंधबाद लेकर जाना था, मेरी छोटी बहन जो यूके से आई है वो भी वहाँ पर मौजूद थी अपने बच्चों के साथ। तो हम लोगों ने ऊबर की राइड ली और तकरीबन 15-20 मिनट में हम वहाँ पहुँच चुके थे। हमारे जाने से पहले ही दूसरे जो हमारे जो साथी हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे, और इन लोगों की एक्साइटमेंट सच में देखने वाली थी क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद इनको घर से लेके इस तरह से निकली थी। तो एट ए टाइम एक ही तरह की एक ही साइज़ की जो शरारती पार्टी है वो इकट्ठी हो चुकी थी और हम लोगों की दौड़ें लग गई थी इनके पीछे, क्योंकि सिंधबाद में आने के लिए बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उनसे रुकना जो था बड़ा मुश्किल हो रहा था। हम लोगों को कार्ड में रिचार्ज करवाना था, उसके लिए वेट करना भी मुश्किल हो गया। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे एंटर हुए तो सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद की राइड्स और अपनी अपनी पसंद के जो भी गेम्स थी या जो भी झूले थे वो उनकी तरफ भागे, और काफ़ी अच्छा दिन था ये। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ फील की कि हम लोग जब घर में रहते हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स,
तो कंटिन्यूसली घर में रहने के बाद भी आपकी तबीयत में एक अजीब सी बदमिजाजी सी शामिल हो जाती है, तो अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आपको मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बेसिकली तो हम लोग बच्चों के लिए ही गए थे कि इनको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, उनकी आउटिंग भी हो जाएगी, लेकिन रियल में वहाँ पे जाके बहुत मज़ा आया क्योंकि उनका तो सिर्फ बहाना था, हम लोगों को खुद भी काफ़ी चेंज मिल गया। और इनकी जो गेम्स थी वो तो इतनी मज़े की थी, इतनी इंटरेस्टिंग कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी खुद इनके साथ खेलूं, क्योंकि इससे पहले अक्सर मैं जब भी जाती हूं तो बच्चे हमेशा अपने बाबा के साथ अंदर जाते हैं सिंदबाद में खेलने के लिए, गेम्स के लिए, और उस दौरान मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए या तो मैं थोड़ा सा शॉप्स वगैरह विज़िट कर लेती हूँ, जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग मुझे करना हो वो देख लेती हूँ। लेकिन आज मेरा टोटली टाइम जो है इनके साथ यहीं पर स्पेंड हो रहा था। और ये जनाब है एक तरह का मॉडर्न कैरम बोर्ड, इसको हम बोल सकते हैं, तो ये बहुत ही मज़े की और यूनिक चीज़ थी, बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। इन लोगों को खेलते हुए देखकर मैं और मेरी बहन और मेरी भाभी, हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, हमारा दिल चाहा कि हम लोग भी इनके साथ साथ मिलकर खेलें। और इस दौरान मेरी जो मेरी दूसरी बहन है बिया जो है, उसने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि वो मेरी छोटी बेटी जो है उसको और मेरी बहन की जो छोटी बेटी अमल है उसे देखने के लिए वो हमारे साथ साथ ही रही, उसने उनका बहुत ख्याल रखा। तो यहाँ पे फील हुआ कि यार सिस्टर्स वाकई ब्लेसिंग होते हैं। बहन भाई तो चलें अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिस्टर्स रियल में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे जनाब खालाओं ने बच्चों को बहुत कराई मुझे, और इधर तिया जो है वो अपनी भांजी को गोद में लेकर खुद भी बैठ गई, और मैं और मेरी बहन सोबिया हैं, हम लोग पीछे थे, भाभी इनके साथ साथ हिस्सा ले रही थी गेम्स में और खूब इंजॉय भी कर रही थी और इनको इंजॉय भी करवा रही थी। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जैसे ही हम जाने का प्लान करते थे तो मेरे किसी ना किसी जूनियर का जो है मूड ऑफ हो जाता था, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा खुश थे इन तमाम राइड्स के साथ, इन गेम्स के साथ, कि इन लोगों का जाने का कोई इरादा जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा था। और हम जो है हम लोग थोड़ा सा थक चुके थे क्योंकि अभी हमें मज़ीद थोड़ा काम करना था, शॉपिंग के लिए भी जाना था, लेकिन चूँकि बच्चे जो हैं उनकी अपनी ही एक प्रायोरिटी होती है, तो यहाँ से निकलने के फ़ौरन बाद इन लोगों को जो है जनाब भूख ने सता रखा था, और हम लोगों ने सोचा कि बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की बजाय हम पहले कुछ खा पी लेते हैं। तो सिंदबाद के बिल्कुल सामने, आई थिंक जॉयलैंड के बिल्कुल सामने था ये कोई बर्गर पॉइंट था, यहाँ से हम लोगों ने बर्गर ऑर्डर किए, लेकिन ऑनेस्टली सेइंग बर्गर बहुत ही एवरेज से थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे खाने के लिए, और मेरा ख्याल है कि वो हेल्दी भी नहीं थी क्योंकि उनके अंदर जो स्टफिंग थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और हम लोगों ने, ये शुक्र है कि बहुत ज़्यादा एक साथ ऑर्डर नहीं किए थे, हम लोगों ने पहले तकरीबन हाफ बर्गर, यानी अगर हम लोगों ने 6 लोग थे तो हम लोगों ने 8 लोगों के लिए हम लोगों ने 6 बर्गर ऑर्डर किए थे कि अगर हम लोग अच्छे लगेंगे तो हम और ले लेंगे, लेकिन ऑनेस्टली उसमें से भी बच गए थे। उसके बाद हम लोगों ने इन लोगों को वहीं से आइसक्रीम लेके दी, आइसक्रीम बहुत अच्छी मिल गई थी, बहुत सस्ती भी थी और 50 रुपीज़ में थी आई थिंक, और उसने बहुत बड़ा सा फ्लावर बना के बच्चों को दिया जिसपे ये सब लोग खुश हो गए, माशाल्लाह हैप्पी हो गए। और फिर हम यहाँ से वॉक करते हुए हमें जाना था स्क्वायर मॉल तक। स्क्वायर मॉल में सोचा हम लोगों ने कि हम कुछ शॉपिंग कुछ है वहाँ से कर लेते हैं, मेरी सिस्टर्स को कुछ कॉस्मेटिक्स में कुछ चाहिए था और मैंने कुछ कपड़ों में कुछ देखना था। तो सबसे पहले हम लोग गए थे जेलबरी पे, और यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी, और सेल में से मुझे ये शर्ट अच्छी लगी, ये बहुत ही प्यारी लीलन की शर्ट थी, मुझे अपनी भांजी के लिए ख़रीदना थी तो मैंने ये शर्ट बाय की। उसके बाद मुझे इनके यहाँ पे कुछ विंटर का स्टफ़ भी, इनका डिस्प्ले था, लॉन का भी स्टफ़ आ चुका था, लेकिन मैंने किसी को गिफ्ट करना था विंटर के स्टफ़ में, तो मैंने इन खद्दर की जो सूट थे उनमें से मैंने एक सूट जो है वो बाय किया, और अच्छे सूट थे सारे, सबके सब जो है डिस्काउंट पर थे। यहाँ पे प्रिंट भी इनकी बहुत अच्छी थी, और एक दो शर्ट्स तो बहुत ही प्यारी लगी जो कि मैंने और भाभी ने हम लोगों ने देखी और हम लोगों ने अपने लिए ली भी। और तो जनाब वापसी का इरादा है हमारा, लेकिन
वापसी पे ये मसला हुआ कि ऊबर के लिए हमने रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन हमें ऊबर के इंतज़ार के लिए यहाँ से 20 से 25 मिनट इंतज़ार करना पड़ता। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हम यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार ना करें, बल्कि भाभी ने हम सब लोगों को गाड़ी में भर लिया जनाब और हम सब एक ही गाड़ी में वापसी पे मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। तो ये थी आज की एक रूटीन, आज का छोटा सा व्लॉग, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि मसरूफियत कुछ इस तरह की थी कि बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो आज का दिन था अच्छा, था बहुत अच्छा, था खुशगवार था आप लोगों के साथ जिसकी शेयरिंग की है मैंने। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।